हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापार में एक बहुत बड़ी खबर के साथ, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। सबसे अच्छी खबर है शिक्षक भर्ती के संबंध में, जो हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती पर जो केस लगा था उस पर जो भर्ती करने के लिए रोक लगा दी गई थी उसको हटा दिया है, मतलब स्टे को हटा दिया है। अब विभाग जो है वो भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 14 जुलाई से जो है काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। एक तरफ आपको मैंने ये भी बताया था, इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि गवर्नमेंट खुद जाके वहां पे एक अर्जेंट हियरिंग दायर करेगी और जहां पे सुनवाई के दौरान ये सारी चीजें कही। मामला ये था कि जब फिर से सुनवाई हुई और फिर सुनवाई करने के बाद फिर से जो है पूरी चीजें बताई गई कोर्ट में कि आखिर मामला क्या था, कहाँ पे पेच फंस रहा था। और उसके बाद फिर जब महाधिवक्ता और उप अभिवक्ता ने इस पर बताया कि भाई कैबिनेट की मीटिंग में ही फैसला हुआ है और इसी को राजपत्र में प्रकाशित भी किया जा चुका है कि 10 नंबर का प्रावधान है। और कहीं ना कहीं इसके साथ ही साथ जो अब विषय बाध्यता वाली बात उन्होंने बताई और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, इस पर जब कोर्ट ने बात सुनी और उसके बाद उन्होंने स्टे को हटा दिया। अब ये वाली बात समझ आई। इसके बाद अगर हम बात करें, अभी तक चूंकि हमको आदेश आया नहीं है लेकिन जो कही सुनी बातें कहा जा रहा है कि लगभग 5 पद को जो है वो रिजर्व करके रखा गया कि 5 पद को अभी छोड़ देंगे, 5 पद पे भर्ती नहीं करेंगे ऐसा करके। अब देखने वाली बात है कि ये सच्चाई कितनी है, लेकिन हाँ इस बात की सच्चाई पूर्णता है कि जो हाई कोर्ट ने जो स्टे है उसको हटा दिया है और अब जो है शिक्षक भर्ती पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14 जुलाई से जो उसका पोर्टल है वो खुल जाएगा, इस प्रकार से बात कही जा रही है। तो हो सकता है 14 तारीख की शाम तक या 15 तारीख को सुबह 10-11 बजे तक वो जो है वो ओपन हो जाए। इस प्रकार से अब आने वाले समय में जो शिक्षक भर्ती की काउंसिलिंग की प्रक्रिया है वो आपको बहुत ही जल्द प्रारंभ होगी और लगभग कहा जा रहा है कि अगस्त तक जो है इनको स्कूल भी जो अलॉट है वो कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी देखने वाली बात है कि इस पर क्या कितने जल्दी काम होता है। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आप सभी जानते हैं कि आज और कल से बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई जहाँ पे जो अध्यक्ष का चेंज होना और साथ ही छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल की जो गठन है, गठन बोल सकते हैं या तो परिवर्तन बोले, गठन को तो नहीं परिवर्तन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री थे प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब उनके बदले यही कहा जा रहा है, जो मीडिया में चर्चा है कि बोल सकते हैं कि मोहन मरकाम जी को जो है शिक्षा मंत्री, नया शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा। तो लोगों के सवाल है कि क्या सर इस बदलाव से कहीं शिक्षक भर्ती पर तो कोई रुकावट पैदा नहीं होगी? तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मंत्री आते हैं मंत्री जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काम जो है वो अधिकारियों को करना रहता है, शासन प्रशासन को करना रहता है। तो इस प्रकार से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे मंत्री कोई भी बने, चाहे मोहन मरकाम जी बने या और भी कोई सदस्य है उनको जो है वो बने। फिलहाल ये देखने वाली बात है कि मंत्री कौन बनता है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर के लिए आप लोग देखिएगा कि कल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहेगा कि राजभवन में जो है यहाँ पे इस्तीफा दे दिया गया है और नया जो मंत्री है वो ये जो है शपथ ग्रहण करेंगे कल। और कयास ये लगा जा रहा है कि बहुत सारे जो नए चेहरे, लगभग 2-3 नए मंत्री पद दिया जा सकता है और पुराने जो मंत्री है उनके विभाग को छिन या कम किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि क्या है, लेकिन जो भी है आप लोगों के करंट अफेयर के लिए ये एक बड़ा जो बोल सकते हैं टॉपिक रहेगा कि वर्तमान में ये उस विभाग का मंत्री कौन है, इस विभाग का मंत्री कौन है। तो उस नजरिए से जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। फिलहाल इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए क्योंकि राजनीतियां तो चलती रहती है। एक और बड़ा मामला सामने आया जैसे कि छत्तीसगढ़ में बोल सकते विपक्ष कंटिन्यू घोटाले की बात करता है। स्वयं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पे भी एक पटवारी जो भर्ती घोटाला है वो सामने आया है, जहां पे बताया जा रहा है कि एक ही कॉलेज के लगभग जो टॉप है वो 7 लोग जो है एक ही कॉलेज जो सेंटर है उससे टॉप किए हैं। और ये जो बताया जा रहा है कि किसी मंत्री का कॉलेज है, इस प्रकार से यहाँ पे आरोप जो है वो लग रहा है। तो इस प्रकार से पहले भी जो है मध्य प्रदेश में जो व्यापम था वो भी पहले जो है व्यापम घोटाला वहाँ बहुत फेमस हुआ और उसके बाद फिर उसका नाम परिवर्तन करके पीईबी रखा और उसके बाद फिर से चेंज करके और उनका नाम चेंज कर दिया। तो नाम चेंज किया गया है लेकिन काम फिलहाल अब क्या हो रहा है वो तो देखने वाली बात है। तो देखिए कोई भी जो सरकार है वो आप देख सकते हैं, चाहे वहां पे मध्य प्रदेश में कौन सी गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ में कौन सी गवर्नमेंट है, बात गवर्नमेंट की नहीं होती, बात होती है कि सिस्टम कैसा है।
वहां सिस्टम को अगर बदला जाएगा तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है वो कम होगा। तो यहाँ पे आरोप और प्रत्यारोप और लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं कि उस सरकार ने इतना भ्रष्टाचार किया, इतना भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया। आवश्यक ये है कि आपने किया क्या, कितना कम किया भ्रष्टाचार को, क्या किया, ये मुद्दा युवाओं को सोचना चाहिए कि कौन सी पार्टी या किसी भी पार्टी के पक्ष विपक्ष में आके आपस में लड़ना नहीं चाहिए। पहली बात तो अभ्यर्थियों को सलाह है कि आप लोग राजनीति में ना घुसे, कहीं ना कहीं आप लोग अभी अपना भविष्य बना रहे हैं और भविष्य को देखिएगा। इन सब में पढ़ने से अच्छा है कि आप अपना भविष्य संविधान, अर्थशास्त्र और इतिहास पर ज्यादा गौर फरमाएंगे तो आप लोगों का भविष्य ज्यादा सुधरेगा, न कि ये पार्टी अच्छी है वो पार्टी अच्छी है। इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका भविष्य जो है वो खराब हो सकता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एबीओ भर्ती के संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थी आज मैसेज कर रहे थे कि सर क्या एबीओ भर्ती आएगी। तो देखिए, मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे लगभग 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 आज 10वां दिन है, शायद 10 या 9-10 दिन पहले ही उसके योग्यता के संबंध में बोल सकते हैं आपको सूचित कर दिया था कि इसमें क्या क्या योग्यता रखी है। और देखिए, टेलीग्राम चैनल में अगर कुछ चीज़ें डल रही है तो कहीं ना कहीं उस पर कुछ चीज़ें हैं, इसी वजह से वो डाली जा रही है। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम में भी बताई जाती है, तो आप वहाँ से जुड़ जा सकते हैं और वहाँ से उसका पूरा आनंद ले सकते हैं। फिलहाल खबर तो यही है कि संभावना यही है कि लगभग 70 पद एबीओ के आने की संभावना है। अब संभावना कब परिणाम में परिवर्तित होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, क्योंकि संभावनाओं तो बहुत कुछ है, फिलहाल इंतजार है परिणाम में, वो संभावना कब परिणाम में बदलती है देखने वाली बात है। फिलहाल वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव।